Namaste and a very, very warm welcome to the Shilpa Shetty channel. And here we're going to teach you the art of loving food. मेरे घर में जब भी कोई पार्टी होती है या कभी ओकेजन होता है या डिनर ही हो तो मेन्यू पर टॉप पर होता है कॉर्न पुलाव. This super secret recipe was taught to me by my mom and today I will share it with all of you. हम इस्तेमाल करने वाले हैं पायसा राइस, क्योंकि पायसा राइस is rich in dietary fiber, it's diabetic friendly and is very high in protein, which is essential for a healthy body. तो चलिए, without wasting any time, तो गैस को पहले ऑन करते हैं एंड वी यूज 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल. और उसके बाद आई विल यूज अ टेबलस्पून ऑफ घी. तो सबसे पहले हम खड़े मसाले डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 2 स्टार अनीस, 2 बड़ी इलायची, मेस, दालचीनी, एक कटा हुआ प्याज, your onions have turned brown. अब आप इसमें मसाले डालें. एक टीस्पून एंड अ हाफ ऑफ जीरा, 1 टीस्पून एंड अ हाफ ऑफ कोरिएंडर, 1 टीस्पून red chili powder, just mix it all in. One and a half teaspoons of garam masala, 3-4 long, and 5 to 6 peppercorns. अब हम इसमें कॉर्न डालते हैं. दिस इज फ्रेश कॉर्न, आप टिन कॉर्न भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर फ्रेश. हाफ अ कप ऑफ कॉर्न, जस्ट एड अ बिट ऑफ वाटर ताकि मसाले आपके जो हैं चिपके नहीं. अब आप इसमें अपना सोक्ड पायसा राइस डालें. एक कप राइस के लिए 2 कप पानी, सिंपल मैथमेटिक्स. और जो हमने 2 क्यूब्स को घोल के इसमें ऐड किया है, वी पुट इट इनटू द पुलाव. मैं लो सोडियम के क्यूब्स इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, तो यू हैव टू चेक कि आपको इसमें सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी पड़ेगा कि नहीं. सो आई ऑलवेज चेक बिफोर आई क्लोज द लिड. कम है तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिलाऊंगी.
इसे हम मीडियम गैस पे पकाएंगे फॉर अराउंड 2 to 3 विसल्स, अराउंड 12 to 15 मिनट्स। सबसे पहले जो ये खड़ा मसाला है उसको निकाल दीजिए। अब हम इसे सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। आपको अब मेरे घर की सबसे सीक्रेट रेसिपी पता है। आई होप यू ट्राई दिस आउट दिस फेस्टिव सीजन एंड स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल ओवर। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरे लंच का टाइम हो गया है, आप सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा। चपच्छ।